आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। राजधानी लखनऊ से चंद कदम दूर लखनऊ रायबरेली हाईवे के किनारे स्थित सीएससी मोहनलालगंज के औषधि भंडार का दृश्य आपके सामने है, जहां पर 200 से लेकर 800 मरीजों की ओपीडी होती है और डॉक्टरों की लिखी दवाएं नहीं मिलती। चीफ फार्मासिस्ट द्वारा यह कह दिया जाता है कि जिले के भंडार से पूरी दवा नहीं मिलती और दूसरी ओर दवा वितरित न होने से अगस्त माह 19 में एक्सपायर हो चुके इस आंख कान के हजारों डिब्बे ड्रॉप तोड़कर चीफ फार्मासिस्ट द्वारा शौचालय के संडास में फेंकवाया गया। आखिर कसूरवार कौन, सरकार या स्वास्थ्य विभाग या कर्मचारी, इसे कौन देखेगा? मोहनलालगंज से हमारे संवाददाता विजय चंद तिवारी की रिपोर्ट। टूटी पड़ी है ना उसमें, टूटी हो बात अलग है। क्या है तो? सैंपल रखो ये साहब, है क्या जो पेट कई डिब्बे हैं क्या? क्यों, कितने डिब्बे हैं ये है? कितने डिब्बे हैं ये लगभग? अब जितने हैं उतने सामने हैं। ये हमको लगता है एक्सपायरी हो गई। क्या हो, एक्सपायरी है क्या? अगस्त एक्सपायरी अगस्त से। तो ये सब मतलब पूरे क्या वितरित नहीं किए गए, क्या किए गए ये सब? नहीं नहीं, वो माल दबा हुआ था, मिला नहीं। अभी जब निकाला गया सब बांट रहे हैं ना, तो वहाँ नीचे दबा था। ये यहाँ स्टोर में तो काफी सुनने में ड्राफ्ट नहीं है। ड्राफ्ट तो है, ड्राफ्ट सब लगातार बट रहा है। जिंटा मशीन आयन एयर ड्राफ्ट दोनों है। मरीज चिल्ला रहे हैं कि दवाई नहीं, दवाइयों का ये हाल है। सीतापुर अटरिया थाना क्षेत्र के बलदेवपुर मजरा जयपालपुर गांव में एक ससुर ने किसी बात से नाराज होकर अपनी बहू को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ससुर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार बलदेव नगर मजरा जयपालपुर गांव में रामचरण, जिसकी उम्र 67 वर्ष है, अपनी विधवा बहू सुनीता 33 वर्षीय, पत्नी स्वर्गीय अजय पाल, शाम को खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। बताते हैं कि खाने में बनाने के लिए मछलियों को धो रही थी। इसी दौरान घर में बैठे ससुर रामचरण से कुछ कहा सुनी हो गई और आपा खोकर ससुर ने घर में रखी कुल्हाड़ी से बहू के ऊपर बेतहाशा कई प्रहार कर दिए, जिससे सुनीता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्यारा ससुर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी होने के पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे अटरिया उप निरीक्षक मुख्य आरक्षी अरुण कुमार पाल, दिलचंद राजकुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही प्रहार की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस ने अपने कब्जे में रख ली। अटरिया थाना प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के भाई ने तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। थाना इलाके के बलदेव नगर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या हुई मृतिका के तीन बच्चे हैं, जिसमें दो लड़के और एक लड़की है। बड़ा लड़का नागेंद्र 11 वर्ष, लड़की अंशिका 7 वर्ष, जो कि दोनों कक्षा 4 के छात्र हैं, वहीं ज्ञानू की उम्र 5 वर्ष है। तीनों भाई बहन ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। बता दें कि मृतिका के पति का लगभग 6 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। वहीं मृतक की सास की भी 9 साल पहले तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। मृतिका अपने तीनों बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी। सिरौली से हमारे संवाददाता सनोज मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसे क्या हुआ, मामला बताइए। सर ये तुम्ही से मारा हुए है। क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ? अब ये नहीं पता, हम तो वहाँ से आए जजौर से, तब हम फोन गया तब। हमारा क्या नाम है? हमारा नाम पंकज है। इस औरत के आप कौन है? हमारा ये बहन है हमारी। अच्छा, जिसने मारा उसका क्या नाम है? उसके उसके ससुर का नाम रामचरण। जो औरत है इसका क्या नाम है? औरत का सुनीता।
लेखपाल सिंह पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 5 नवंबर से आंदोलन करने जा रहा है। कोई प्रगति न होने पर आज मोहनलालगंज तहसील में लेखपालों ने कैंडल मार्च निकाला और एक दिवसीय धरना दिया। अपनी 8 सूत्री मांग उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। मोहनलालगंज से हमारे संवाददाता विजयचंद तिवारी की रिपोर्ट। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।